पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते आगे, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की वसुंधरा के प्रहलाद गढ़ी में अचानक उस वक्त भगदड़ मच गई जब वंदना फार्म हाउस के पास खड़े एक केमिकल के टैंकर में अचानक ही भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे टैंकर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और धू धू कर जलने लगा। आनंद फानंद में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना के आधार पर दमकल विभाग की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पेंटेन गैस का टैंकर था और ये इसके अंदर जो गोदाम है वो गैसोलीन बनाते हैं। ये पेंटेन गैस से गैसोलीन और बनाते हैं जो कि ये हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उसके फ्यूल के रूप में प्रयोग होता है। ये इसी में आग पकड़ लिया था और बड़ी भयावह रूप से अगल बगल के भी वातावरण को भी अपने घेरे में ले लिया था। तत्काल इसको चारों तरफ से घेर करके और इसको बुझाने की कोशिश की गई। एक घंटे में इसको बुझा दिया गया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। सर बताया गया कि ड्राइवर भी घायल हुआ? हाँ, शुरू में चूंकि फायर सर्विस के आने के पहले बताया जा रहा है कि जो लोग इसको लोडिंग अनलोडिंग के समय ये घटना हुई होगी, जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा, तो उस समय हुआ था। तो बताया जा रहा है कि जो लोग उसमें लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे जिस समय आग लगी, तो झुलसे हैं ये क्या दो लोग, उनको फायर सर्विस के आने के पहले ही अस्पताल भिजवाया जा चुका है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। जावेद, एक केमिकल के टैंकर में भीषण आग लगी थी, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मामला इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा के पहला कड़ी का है, जहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ था। वहाँ पर टैंकर जैसे ही खड़ा तो वहाँ पर पता चला कि आग इतनी भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया कि वहाँ पर जो अंदर फैक्ट्री थी वहाँ पर भी आग पकड़ ली और वहाँ पर जो ड्रम है उनमें भी भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के चलते वहाँ पर लगातार आग का भयंकर रूप धारण करते हुए काफी तादाद में वहाँ लोगों की भीड़ लगी। आनंद फानंद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ मौके पर पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटी रही। बताया जा रहा है कि वो जो केमिकल जो टैंकर खड़ा था वहाँ पर शॉर्ट बिजली के तार की जैसे जांच पड़ताल में आया बिजली के तार की या किसी चीज से जो केमिकल आपस में टकराया उससे वहाँ आग लगने की आशंका लगातार जताई जा रही है। फिलहाल 5 गाड़ियां वहाँ फायर ब्रिगेड की पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ साथ ही उसके आसपास ही एक पंजाब एंड सिंध बैंक था, वहां पर भी अंदेशा था कि कहीं बड़ी घटना ना घट जाए। उसी के तहत एहतियात बरतते हुए फायर ब्रिगेड टीम ने एक गाड़ियों को वहां पर निकले कर दिया और कई मशक्कत आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। जी जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।